हाय गाइस, मैं हूँ स्वाति। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो फ्रेंड्स, फेस्टिवल तो आ गए हैं, तो मैंने यहाँ पर मेकओवर दिया हुआ है, फ्लावर ऐड किए हुए हैं, लैम्प ऐड की हुई हूँ, कुछ ऐसे फेस्टिव डेकोर आइटम ऐड की हूँ जो देखने में बहुत अच्छा लगे। तो यहाँ पर मैंने डाइनिंग एरिया क्रिएट किया हुआ है, तो वीडियो बने रहिएगा और एंड तक ज़रूर देखिएगा। ये वीडियो आपके लिए ज़रूर हेल्पफुल होगा। अगर आप मेरे इंस्टाग्राम से नहीं जुड़े हैं तो इंस्टाग्राम से भी जुड़ जाइएगा, वहाँ भी बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती हूँ और कंटेंट डालती रहती हूँ। मेरा थोड़ा सा गला बैठा हुआ है, थोड़ा सा मौसम चेंज होने की वजह से थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है, फिर भी मैं वॉइस ओवर दे रही हूँ क्योंकि मैंने वीडियो शूट कर लिया था। यहाँ पर मैंने तीन वाला जो रैक है ये मैंने यहाँ रखा है, यहाँ ये मैंने जबलपुर से ख़रीदा हुआ था। ऐसे ही सेम अमेज़ोन में भी मिलता है, अगर आप चाहते हो तो मैं इसका लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, चेक कर लेना। तो ये मेरा काफ़ी पुराना हो गया है और बहुत ही अच्छा है। तो यहाँ पे मैंने साफ़ कर लिया है और प्लास्टिक का प्लेस मैट था तो उसे मैंने यहाँ पर रख दिया है। और ये है दो का सेट प्लांटर, जिसे मैं यहाँ पर वाइट कलर और गोल्डन कलर का यहाँ नीचे रख दूँगी, और प्लांट कुछ आर्टिफिशियल प्लांट है, फ्लावर है, उसे मैं ऐड कर दूँगी यहाँ पर, जो देखने में बहुत ही अच्छा लगेगा। कुछ तामझाम मैंने नहीं किया है, सिंपल तरीके से डेकोर किया हुआ है, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और जो ये गोल्डन कलर का आप जो देख रहे हैं ना, ये वास, ये आपको अमेज़ोन में मिल जाएगा और मीशो में भी मिल जाएगा, दोनों का लिंक दे दूँगी। और यहाँ पे ये लाइट है, लव लिखा हुआ है, इसकी लाइट जलती है, बहुत खूबसूरत है, बट बैटरी मेरी ख़त्म हो गई, मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि बैटरी ख़त्म हो गई, मतलब एक्स्ट्रा बैटरी नहीं था तो मैंने ऐसे ही लगा दिया। यहाँ पे ये साइकिल है और इसके ऊपर में एक फ्लावर पॉट रख दिया है जो देखने में बहुत खूबसूरत लग रहा है, हैंगिंग वाले पॉट भी रख दिया है। और यहाँ पे हैंगिंग प्लांट, ये लीव वाले हैं जो बहुत ही अच्छे लग रहे थे मुझे, तो ये काफ़ी सुंदर लग रहा है। इस तरीके से हमारा रैक तैयार हो गया है। अब आता है यहाँ पर डाइनिंग चेयर के लिए, तो यहाँ पर मैंने डाइनिंग रख लिया है, ऑनलाइन डाइनिंग कर दी थी मैं, चार का चेयर था, चार और एक बेंच वाले हैं। तो यहाँ पर सिर्फ चेयर के जो गद्दे में यहाँ पे कवर लगते हैं ना, सिर्फ उसी के मैंने यहाँ पे ख़रीदा हुआ, पूरा फुल आपका चेयर कवर नहीं होगा, इस टाइप का मिलना भी बहुत मुश्किल, बट मैंने मीशो से परचेज़ कर ही लिया, ढूंढ ही निकाला, इसमें बहुत सारे कलर मिलेंगे। तो मैंने यहाँ पे ऑफ वाइट और रेड कलर के फ्लावर जो लगे हुए हैं उसे मैंने पिक किया था, परचेज़ किया, काफ़ी अच्छे ऐसे वॉश भी मैंने कर लिया है। चार के सेट मिलेंगे, छः वाले अभी मैंने नहीं दिखाया है, चार के सेट वाले मैंने यहाँ पे परचेज़ किया था, क्योंकि चार चेयर है एक बेंच है, तो बहुत ही अच्छे आए हुए हैं। इससे पहले मैंने रिव्यू भी दिया हुआ था, आप लोगों को बहुत पसंद आया था और बहुत लोगों ने पसंद भी किया इसे। तो मैंने यहाँ पर अभी डेकोर करके दिखा रही हूँ, अपनी चेयर में लगा ली हूँ, बहुत अच्छे से फिट हो जाते हैं। तो चलो इसी तरीके से हम लोग चारों चेयर में लगा लेते हैं। तो मैंने ना ये वाले के आपको ना सबका लिंक एंड को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं दे दूँगी, आप चेक कर लेना। और बहुत सारे इसमें कलर भी मिलेंगे, और अलग भी और भी सर्च करोगे ना तो भी मिल जाएंगे। अगर सर्च करने पे आपको नहीं मिलते हैं तो आप कमेंट करना, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको सर्च करके और बहुत सारे लिंक भी प्रोवाइड कर दूँगी, जिससे अगर आपको जो पसंद आते हैं आप परचेज़ कर सकते हो। अभी सेल भी आने वाले हैं 27 से, फिर से बहुत ही अच्छी डील मिलने वाली है, तो देखते रहना। और जो पसंद आता है उसे आप परचेज़ कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारे सामान है ना आउट ऑफ स्टॉक भी हो जाते हैं, तो जो आपको पसंद आते हैं फटाफट से परचेज़ कर लेना। तो यहाँ पे मैंने फोल्डिंग वाले कॉफ़ी टेबल रखा है, ये लैम्प तो मेरे फेवरेट हो गए हैं। क्यों? क्योंकि जिसका स्टैंड है ना वो वुडन में है और जलने के बाद इतना खूबसूरत लगता है कि मैं क्या ही बोलूँ, आप खुद रिज़ल्ट देख लो कैसा लगता है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। यहाँ पे मैंने मैट रखा है राउंड वाले, जूट वाले, और ये वाले जो पफी स्टूल दिख रहा है ये मैंने इंस्टाग्राम पेज से मंगवाया हुआ था। तो इस तरीके से हमारे यहाँ डेकोर हो गया है। अब हमारी बारी आती है डाइनिंग टेबल की। डाइनिंग टेबल के लिए यहाँ पे मैं डाइनिंग रनर यूज़ किया हुआ है, जिसे यहाँ पर कलरफुल वाले हैं, बहुत अच्छे लगते हैं मुझे ये, क्योंकि मेरे कर्टन मैंने प्लेन रखे हैं तो इसलिए मैंने डाइनिंग का रनर कलरफुल रखा हुआ है, और काफ़ी अच्छे लग रहे थे, मैच कर रहे थे, इसलिए बहुत सुंदर लग रहे थे। यहाँ पे मैंने एक और प्लेसमेंट रखा है जो गोल्डन में है, एक बड़ा सा ग्लास का बाउल रखा हुआ है, और उसमें ये जो लरी होते हैं ना गेंदे फूल वाले, उसे मैंने यहाँ पे इसी तरीके से रोल रोल करके यहाँ पे रख दिया है, और काफ़ी अच्छा दिख रहा था इस टाइप का येलो कलर में। और उसी के बीच में एक अभी मीशो से फ्लावर ख़रीदा हुआ था, बहुत अच्छे इसके ये डार्क कलर भी मिलेंगे और एक वाइट में भी मिलेंगे, तो मुझे वाइट भी चाहिए, मैं वाइट भी बहुत जल्दी रिव्यू देने वाली हूँ। साइड में ये मेटल के जो जग है उसे मैंने ले लिया, और छोटे वाले जो फ्लावर होते हैं ना
वो वाइट कलर का यहाँ पे मैंने रख दिया है। और ये DIY था जो लीव मैंने बनाया हुआ है। और इस टाइप का बैटरी कैंडल जो देखने में एकदम लगता है रियल है, जलने के बाद तो एकदम लगता है कि रियल जल रहा है। तो मैं यहाँ पे जला के आपको दिखा देती हूँ। कुछ इस टाइप से हिलते हैं और बहुत अच्छे दिखते हैं। तो यहाँ पे 3 के सेट है, पहले आउट ऑफ स्टॉक हो गए थे बट अब स्टॉक में आ गए हैं। फटाफट से अगर परचेज करना चाहते हो तो फटाफट से परचेज कर लेना। इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अब त्यौहार का सीज़न चल रहा है तो यहाँ पे मेकओवर तो बनता ही है ना, तो कुछ इस तरीके से मैंने मेकओवर दिया हुआ है। बहुत सिंपल तरीके से, मैंने बहुत ज़्यादा चेंजिंग नहीं लाया है। कुछ कुछ फ्लावर यहाँ पे रख दिया है, कुछ प्लांट रख दिया है, लाइट रख दिया है, लैंप रख दिया है। और इसी से मेरा घर इतना सुंदर दिख रहा था। आपको कैसा लग रहा है कॉमेंट करके ज़रूर बताना। सबका लिंक एंड कोड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप चेक कर लेना। तो कुछ मैंने नया आइटम अभी नहीं परचेज़ किया है। बहुत सारे अभी हॉल रिव्यू सब कुछ आने वाले हैं क्योंकि सेल आने वाला है। मैं बहुत सारे आइटम पिक की हूँ। आपको क्या देखना है और क्या आप देखना पसंद करते हो मुझे कमेंट करना, तो मैं उसे परचेज़ करूँगी, रिव्यू शेयर करूँगी और बहुत जल्द शेयर करूँगी। और अभी तो रीसेलिंग का वीडियो भी आने वाला है, जो मैंने आइटम जितने भी डेकोर के आइटम परचेज़ किया है मैं उसे सेल करने वाली हूँ और बहुत जल्दी आएगा। तो जिनको जिनको पसंद आता है कोई भी सामान है आइटम, तो उसे आप परचेज़ कर सकते हो और कम से कम रेट में रखूँगी जिससे आप इजीली परचेज़ कर पाओ। तो कुछ इस तरीके का मेरा डेकोर था, सिंपल तरीके से, कोई डाइनिंग में तामझाम मैंने नहीं किया है। ओरिजिनल लाइट ना रखने का रीज़न ये है कि मेरे घर में छोटी डॉटर है, उसका शरारती तो नहीं है बट फिर भी बच्ची है तो डर लगता है कहीं हाथ ना लगा दे, इसलिए मैं ओरिजिनल लाइट नहीं लगाती हूँ। यहाँ पे बैटरी लाइट लगाती हूँ और बैटरी लाइट भी एकदम ओरिजिनल वाला लुक देता है जो देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। जो यहाँ पे प्लेट दिख रहा है ना, वो मैंने अमेज़ोन से ख़रीदा था, बहुत ही अच्छे आए हुए हैं। अगर आपको चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, चेक कर लेना। थोड़ा सा मेरा तबीयत ख़राब है इसलिए मेरा गला बैठा हुआ लग रहा है। मैं वीडियो बनाई हुई थी तो मैंने सोचा कि चलो आप लोगों से शेयर कर दूँ, क्योंकि बनाया था और मैं नहीं वॉइस ओवर देती तो ऐसे ही पड़ा रह जाता वीडियो, इसलिए मैंने वॉइस ओवर दे दिया है, आप लोग शेयर कर दिया है। आपको कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताना। ये वीडियो थोड़ा सा भी अगर हेल्पफुल है ना आपके लिए तो अपने फैमिली फ्रेंड्स का शेयर करना, आपको हेल्पफुल हो जाता है, फैमिली फ्रेंड को भी हेल्पफुल हो जाएगा। तो और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना जिससे मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ नोटिफिकेशन के थ्रू वो आप तक पहुँच जाए, वीडियो बिल्कुल भी मिस ना हो। तो चलिए फिर मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।